السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من زر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي. और वफ़नी इरा का नतीलवाफ़ातैरअलीफुलबारी इब्राहिम ़ फ़रमाते हैं अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे आज के दर्स का मौजू है कि अगर हमारे दिल में कभी खुदकुशी का ख्याल आए तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए आदमी के हालात बदलते रहते हैं कभी इंसान के सामने ऐसे मुश्किल हालात आ जाते हैं कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है वो सोचता है अब हमारे इस दुनिया में रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है इस दुनिया से अपने आप को ख़त्म कर देना ही मसले का हल है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रवायत में जिसके रावी अनस नस्बिन मालिक रज़ील तनों बयान फ़रमाया लाए तमन्न नादम असा बहु तुम में से कोई भी शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से मौत की तमन्ना ना करे तकलीफ़ ज़िंदगी के साथ लगी हुई है एक परेशानी आती है ख़त्म होती है दूसरी परेशानी आ जाती है तो कोई भी शख्स तुम में से मौत की तमन्ना और आर्जू ना करे और अगर वो करना ही चाहे तो इस तरह से अल्लाह से दो मांगे अल्लाह माहिनी मा कान हयात खैरन ली एल्लाझे इस दुनिया में उस वक्त तक जिंदा रख जब तक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो वह तो फनी इदा कानतल वफात खैरन ली और मुझे उस वक्त वफात दे जब मेरे लिए वफात बेहतर हो ये दुआ महमद रसोल्म ला ने सिखाई अभी से मुतिक चंद बातें पेश खिदमतें पहली बात यह कि कभी कभी इंसान दुनिया में अपने गुनाहों की कसरत से ऊब जाता है सोचता है इंसान इस दुनिया में अल्लाह ने हमें आखरत के लिए पैदा किया आखरत की तैयारी के लिए पैदा किया जवानी से बुढ़ापे को पहुंच गया लेकिन गुनाहों की आदत नहीं छूट रही है गुनाहों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है ऐसे मौके पर शैतान उसे अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है वो सोचता है हमारी कोई बख्शिश होने वाली नहीं दुनिया में रहने से कुछ भी फायदा नहीं अगर हम जिंदा भी रहेंगे तो गुनाह पर गुनाह करते चले जाएंगे अगर इस तरह का ख्याल दिल में आए तो फौरन अल्लाह रब्बुल लबालमीन के कुरान को पढ़िए अल्लाह ने कुरान में वजात के साथ फरमा दिया अः हमारे पैगम्बर मोहम्मद रसोल् आप ऐलान कर दीजिए कि मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देगा वो बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है इसी तरह सही मुस्लिम की रवायत में अल्लाह के नबी सल्हलम ने फरमाया एक आदमी एक लंबे जमाने तक जहन्नम में ले जाने वाले अमाल करता रहता है और मरने से पहले अल्लाह उसको तोबा की दे देता है और वो जन्नत के अंदर चला जाता है जन्नती जन्नत करते करते और बातों में तो यहां तक है कि एक बंदा सत्तर साल तक गुनाहों की जिंदगी गुजारता है जहन्नम में ले जाने वाले बुरे आमाल करता रहता है और उसके और मौत के दरमियान कुछ फासला बाकी रह जाता है अल्लाह उसको तोबा की तोफीक़ देता है और आमाल करते हुए दुनिया से चला जाता है जन्नत में चला जाता है तो इंसान के लिए कितना भी गुनहगार हो जाए जांकनी का वक्त शुरू होने से पहले तक तोबा का दरवाज़ा खुला रहता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया जब तक गरगरे की कैफियत ना तारी हो जाए जाकनी का वक्त शुरू ना हो जाए मौत का फरिश्ता सामने जब तक नहीं आ जाता अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है सच्चे दिल से तोबा करो चाहे तुमने सौ साल गुना किया हो निन्यानवे साल गुना किया हो अस्सी नब्बे साल गुना किया हो सच्चे दिल से तोबा करो कि कभी अब गुनाह नहीं करेंगे अल्लाह तुमको माफ करेगा अपने दाम रहमत में तुमको पनाह दे देगा और इसी तरह अगर किसी पर जुल्म किया है किसी का हक मारा है अभी जिंदगी अल्लाह ने दी है आप उसका हक अदा कर दीजिए अल्लाह तला आपके लिए बख्शिश का रास्ता खोल देगा दूसरी बात ये कि अगर आप किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं जिस बीमारी ने आपके सुकून को गारत किया हुआ है दर्द से परेशान हैं दर्द से बेताब हैं उठना बैठना आपके लिए मुश्किल है तो उस बीमारी की तकलीफ की वजह से कभी मौत की तमन्ना ना कीजिए क्योंकि बीमारी ही भी बंदे मोमिन के लिए से रहमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे मोमिन के पैरों में अगर कांटा चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसके भी उसके गुनाहों को मिटा देता है और हर बीमारी का एक वक्त मुतन है बीमारी का वक्त मुतन होता है वक्त खत्म होने के साथ बीमारी चली जाती है अल्लाह ताला शिफा दे देता है इसी तरह तीसरी बात ये कि अगर आपकी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मसला आ गया जिसका बज़ाहिर कोई हल नहीं नजर आता आप उसको हल करना चाहते हैं और मुश्किल होता चला जाता है तो याद रखिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अल्लाह मुश्किल को आसान बनाने पर कादिर है अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का हल मौजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन जमजम को जारी कर सकता है जिस दरिया से मूसा और बनी इसराइल को नजात दिया उसी दरिया में फिरौन को डुबो सकता है ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कुरान मजीद के अंदर तो अल्लाह ताला तसबुल असबाब है वो हर मुश्किल को आसान करने पर क़ादिर है कदीर अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है लिमा यूरी जो चाहे करने पर कादिर है इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दुआ सिखाई है अल्लाहन सहला कोई चीज़ आसान नहीं है सिवाय उसके जिसे तू आसान कर दे कोई चीज आसान नहीं है सिवाय उसके जिसे तू आसान कर दे अल्लाह अगर तू चाहे तो मेरी मुश्किल को आसान कर सकता है वह तथा जल हसना इज अशी सला और चौथी और आखिरी बात यह कि आदमी के सामने जब यह कंडीशन आ जाए कि बार बार शैतान वसवसा डाले कि खुदकुशी कर लो परेशानी दूर हो जाएगी तो उसे यह सोचना चाहिए कि खुदकुशी का अजाब कितना बड़ा है ख़ुदकुशी करने वाले के बारे में कैसी वहीदें मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वसलम ने बयान फरमाई सही बुखारी की रवायत है अल्लाह के नबी अलैहि वसम ने फरमाया अगर किसी शख्स ने अपने आप को पहाड़ से लुढ़का कर गिरा दिया और हलाक कर दिया तो जहन्नबे उसको अजाब दिया जाएगा खालिद मुखलद फ़ीहा अब के लफ्ज हैं ये अल्फाज इस बात तो दलालत करते हैं कि उसे लंबी मुद्दत तक वह अजाब दिया जाएगा पहाड़ से लुटकाया वो लुटकाता रहेगा चढ़ेगा गिरेगा चढ़ेगा गिरेगा इसी तरह से अजाब उसको दिया जाता रहेगा और अगर किसी ने जहर पी लिया और जहर के पीने के जरिए अपने आप को हला कर लिया तो जहर को घूंटता रहेगा पीता रहेगा उसी तरह सिलसिलेवार उसका अजाब जारी रहेगा और इसी तरह किसी ने अपने पेट में कोई धारदार चीज मार ली खंजर भोंक लिया और उसके जरिए खुदकुशी किया तो एक लंबी मुद्दत तक अगर मोमिन है तो एक लंबे जमाने तक उसे वो आजाब दिया जाता रहेगा आप गौर कीजिए इंसान सोचता है दो मिनट का तो काम है दो मिनट का काम है फांसी के पंदे पर लटक जाता है या फैन में कोई कपड़ा वगैरह बांध करके और अपने आप को खत्म कर लेता है लेकिन यह सोचना चाहिए कि यह दो मिनट का काम तो हम कर रहे हैं लेकिन यह दो मिनट का काम लाखों बार अल्लाह ताला जहन्नम में कराने वाला है एक बार तुमने किया उसी को अल्लाह ताला अजाब बना देगा उसी को अजाब बना देगा और बार बार उसी तरह से अल्लाह आपको अजाब देगा जिस तरह से आपने दुनिया में अपने आप को अजाब में गिरफ़्तार किया था अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब की परेशानियों को दूर फरमा हमारी मुश्किल को रफ़ा फरमा दे रब्बुल आलमीन हमें आख़रत की तैयारी की तोफ़ी अदा फरमा हमारे दिलों में जन्नत की मोहब्बत और जहन्नम का खौफ पैदा फरमा और ईमान के साथ मोत नाम और सल्नबी करीमैक् ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक खैरन